हे गाइस, देखिए लोगों का यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि आज के रेट में फर्टिलाइजर वाले स्टॉक भाई क्यों गिरे, फर्टिलाइजर वाले स्टॉक क्यों गिरे, और अगर फर्टिलाइजर वाले स्टॉक गिरे हैं चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन सर बेस्ट ऑफ लाइफ भी तो उसी सेक्टर में काम करता है ना, फिर वो क्यों भागा भाई, फिर वो क्यों भागा जो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। दीपक फर्टिलाइजर आज गिरता हुआ नजर आया 1.69%, चलो ठीक है, लेकिन गिरता हुआ नजर आया सर यहाँ पर, ये थोड़ा रिकवरी देखने को मिला इसमें। मॉर्निंग से देखेंगे तो गिरा हुआ था ये भी ज़्यादा ही, लेकिन नीचे से 4% तक का रिकवरी देखने को मिला, फिर भी अराउंड 2%, मतलब समझ लीजिए 6-7% तो ये भी गिरा हुआ ही था। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ पर देख सकते हो फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रिवेणी कोर, ये भी लगभग 10% गिरा है, गजब, मतलब इतनी खतरनाक गिरावट सर, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर, ये भी 7% गिरा हुआ है सर, जो कि मतलब अच्छा नहीं है। मद्रास फर्टिलाइजर, ये भी 6% गिरा हुआ है सर, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। चंबल फर्टिलाइजर, ये भी गिरा हुआ है, फिर भी रेड में ही है सर, ठीक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, सर सारे फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स गिरे हुए हैं भाई यहाँ पर, लेकिन क्यों बेस्ट ऑफ लाइफ क्यों नहीं गिरा, ये भी तो सर उसी फील्ड में काम करता है, ये उल्टा भागा है, अजीब है भाई। वो सारे 10-10% गिरे हुए हैं और ये 10% भागा हुआ है, एकदम उल्टा काम होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सर पहले तो यहाँ पर जान लेते हैं कि भाई ये पहले फर्टिलाइजर वाले स्टॉक भागे क्यों थे, रीज़न पहले जान लेते हैं कि ये ऊपर क्यों गया था सर। इसके पीछे सर दो मेन रीज़न थे जो कि ऊपर गया था फर्टिलाइजर वाले सारे स्टॉक्स। तो पहला जो रीज़न देखने को मिला था सर, जीएसटी जो है यहाँ पर जीरो करने की बात कर रहे थे, जो 5% था उनको भी हटाने की बात कर रहे थे, मतलब देखो ये लगभग रिपोर्ट के जरिए से, सोर्स के जरिए से पता चल रहा था। तो ये था सर मार्केट के लिए एक बहुत और अच्छी खबर बोल सकते हैं, बहुत बड़ी और अच्छी खबर। दूसरी खबर जो थी जिसकी वजह से ये सारे फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स भाग रहे थे, वो बोला जा रहा था 20% एमएसपी की वजह से सर, ठीक है, एमएसपी हाइक की वजह से। तो ये तो अच्छी खबर थी यहाँ पर, तो दो रीज़न आप लोगों को पता चल गया सर यहाँ पर, ठीक है, एक एमएसपी की वजह से भागता हुआ नजर आ रहा था और दूसरा जीएसटी कट होने की उम्मीद की जा रही थी सर, उसकी वजह से स्टॉक भागता हुआ नजर आ रहा था। देखिए आज ये लोग बोल रहे हैं, आज ये लोग क्या बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक अगर आप देखोगे इंप्लीमेंट अप टू 9% एज जीएसटी काउंसिल, देख सकते हो दो रीज़न मैंने आपको बताया था, एक जीएसटी वाला और एक जो एमएसपी आपको देखने को मिला था। तो बताया जरा कि 9% ये गिरते हुए नजर आए हैं, जीएसटी काउंसिल देख सकते हो, रिफर्स यहाँ देख सकते हो, एग्जम्पशन रिकमेंडेशन टू GOM। अब सर यहाँ पर क्या है कि सर बातचीत की जा रही है यहाँ पर, अगर आप देखो तो इसी वजह से सर सारे फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स गिरे हैं, देख सकते हो फर्टिलाइजर स्टॉक लाइक यहाँ पर देख सकते हो जो भी है फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रिवेणी को, ये भी गिरा हुआ है, ठीक है। GNFC यहाँ देख सकते हो, GSFC देखने को मिलेगा, मद्रास फर्टिलाइज़र देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रहा सर, ठीक है। बोला जा रहा रिफर टू, इसको रिफ़र किया गया है रिकमेंडेशन ऑन एग्जम्प्टिंग, जो एग्जम्प्टिंग मतलब जो एक तरीके से बोला जा रहा है कि भाई इसके में कुछ ना कुछ करो यहाँ पर, ठीक है, सेक्टर फ्रॉम 5% GST। और देख सकते हो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं 4, यहाँ देख सकते हो रेट, जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, तो ये जो भी है रेट रैशनलाइजेशन। अब हो क्या रहा है कि सर ये सारी चीज़ जो है लगभग जो है कि नेताओं के हाथ में दिया गया है सर, मीटिंग किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा कि भाई कितना क्या होगा, कट किया जाएगा नहीं कट किया जाएगा। अब वो सारी चीज़ें सर लगभग जो है मतलब देखो मतलब होता है ना कि लगभग एग्ज़ाम तो दे दिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सर जब एग्ज़ाम के पेपर चेक होने लगते हैं तो सर डर लगने लगता है, और जब सर पेपर चेक होने के बाद रिजल्ट आने लगता है तो और डर लगने लगता है कि भाई क्या हो गया, रिजल्ट कैसा होगा, एग्ज़ाम तो अच्छा ही लिखा था लेकिन पता नहीं कभी कभी अपोजिट भी हो जाता। तो इस तरीके से सर अब देखिए कि ये लोग जो है सारी चीज़ों को लगभग जो है देखेंगे कि ये सारी चीज़ें को कट करे या ना करे सर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स देख सकते हो सर, ये सभी लोगों को जो है मतलब सारे नेताओं को यहाँ पर बोला गया कि भाई बातचीत करो, डिस्कस करो, चेक करो सारी चीज़ें क्या है नहीं है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा नहीं इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि सरकार को सर डायरेक्ट कट कर देना चाहिए था, लेकिन जब इतना सोच समझ के डिसीजन लिया जा रहा है, इसका मतलब है कि सर जाँच किया जा रहा है कि क्या इसको कट करे या ना करे करके। अब ये सर हो गया एक डायलमा वाला बात, डायलमा वाला कि मतलब मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 100% सर गारंटी नहीं बोला गया, और इसी की वजह से सर लगभग जो है कि स्टॉक्स सब गिरते हुए नजर आए। तो बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो जीएसटी है वो 5% ही है, और सर उसके बाद जो इनका रॉ मटेरियल है, जो सल्फ्रिक एसिड आपको देखने को मिल रहा है और जो अमोनिया है, ये सभी में सर 18% तक का जीएसटी है। अब ये हो गया सर दिक्कत वाली बात, अब लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई क्या हुआ। कहने का मतलब है कि सर जो रॉ मटेरियल है उस पर ही मोटा जीएसटी लिया जा रहा है, फिनिश्ड गुड पे नहीं ज़्यादा लिया जा रहा है यहाँ पर। सो
सॉरी, वो कुछ ना कुछ मैसेज आता रहता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि सर जब आपको रॉ मटेरियल पे एक बार जीएसटी ले लिया जाता है, तो सर वो जब फिनिश गुड गुड बनेगा, फिनिश गुड, तो उस पर भी सर प्लस ऐड रहेगा, क्योंकि सर जीएसटी किसको देना पड़ता है? सर जीएसटी देना पड़ता है सर एंड यूज़र को, एंड यूज़र को जो लास्ट में जाकर इस्तेमाल करता है। और एंड यूज़र कौन होता है सर? एंड यूज़र होता है सर किसान। किसानों को मान लीजिए 100 रुपये का प्रोडक्ट उनको मिल जाता है सर 118 रुपये में। अब सर ये जो 18% तक का, ये जो सर 18% वाला मामला है सर, ये किसानों को उतना समझ में नहीं आता, ये किसान उतना ध्यान नहीं देते, ये किसान सर इसको लगभग आगे पहुंचा नहीं पाते। अब किसानों की जो लागत आती है सर, जो मान लेते हैं कि उनको मान लेते हैं 20 रुपये मिला सर, ठीक है, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से वो अपना कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ भी हो जाता है। अब सर उस पर उनको उनको भी प्लस 18% जीएसटी चार्ज करना चाहिए, करना चाहिए सर, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग रॉ मटेरियल की तरह वो लोग बेच देते हैं सर, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, चना हो, कुछ भी बेच देते हैं सर। ऐसा वो सोचते हैं कि सर कुछ तो फायदा मिल गया, लेकिन सर इनमें इनको जो 18% जीएसटी जो है फिर ऊपर जो पब्लिक के ऊपर लगाना चाहिए। अब क्या होता है कि सरकार ने सर 18% जीएसटी ले लिया कंपनी से, अब जब ये फिनिश गुड बनता है ना सर, तो दोबारा यहाँ पर जो है जीएसटी लगा दिया जाता है। वो अकॉर्डिंग पता नहीं, वो अकॉर्डिंग लगता है सर कि किसके ऊपर कितना लग सकता है, ठीक है, फिर से लगा दिया जाता है सरकार की तरफ से। अब ये हो जाती है हर सर दिक्कत वाली बात है। और जो कंपनी लगभग ज़्यादातर अगर आप देखोगे यहाँ पर ये दो एसिड है इसको जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है सर, उसके स्टॉक्स ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर देख सकते हो आफ्टर 50, यहाँ देख सकते हो 53 जो आपको देखने को मिला, जीएसटी जो काउंसिल मीटिंग है जो 53 जो मीटिंग हुआ यहाँ पर, इसमें सर ये लोग डिस्कस करते हैं कहाँ कितना क्या होगा नहीं होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ सभी लोग डिसाइड करते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो जीएसटी रेट को घटाया जा रहा था, रिड्यूस किया जा रहा था, रिड्यूस द जीएसटी रेट ऑन फर्टिलाइजर, भाई उसको जो है अब बातचीत करके देखा जाएगा। मिनिस्टर लोग यहाँ पर रहेंगे, वो बातचीत करेंगे, देखेंगे, उसके बाद कुछ बोला जा सकता है। और ये इस वजह से डर लग रहा है क्योंकि सर ये चीज़ों को बोला जा रहा है कि इस चीज़ों के बारे में सर ये पहले भी बातचीत किया गया है, इसके बारे में पहले भी बातचीत किया गया है सर। यहाँ पर देख सकते हो इश्यू ऑफ द, यहाँ पर देख सकते हो फर्दर रिडक्शन ऑफ टैक्स जो देखने को मिला, टैक्स ऑन फर्टिलाइजर वाज प्लेस्ड बिफोर जीएसटी काउंसिल जो हुआ था सर 45th में भी यहाँ पर। लेकिन सर हुआ क्या है यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो काउंसिल डिड नॉट रिकमेंड एनी चेंज इन रेट। उन्होंने सर कोई भी चेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया, बोला जो जैसे है भाई वैसे ही रहेगा। अब ये हो गई सर एक टेंशन वाली बात। अब फिर चल रही है सर बातचीत, अब पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, ये बोलना मुश्किल है सर यहाँ पर। अब इसी को लेकर सर जो फर्टिलाइजर वाली कंपनियाँ हैं वो थोड़े बहुत डर गए हैं कि सर जो एक उम्मीद आ रही थी वो भी अब जा रही है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा देखिए ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में ही गिरावट देखने को मिला है, लेकिन लंबे समय में ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें चलना स्टार्ट कर देगा सर। ये टेम्पररी कोई न्यूज़ की वजह से दिक्कत हो रहा है, बस उतना ही, एक बेनिफिट मिल सकता था जो कि नहीं मिला, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन लंबे समय में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह देखने को मिलता है सर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं सर, वो भी बिल्कुल बिल्कुल फ्री में।